अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। आज हम आपके साथ शनवारी हाईवे कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। शनवारी हाईवे कढ़ाई बनाने के लिए यहां कुछ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चिकन है हमारे पास यहाँ, ये 500 ग्राम। 2 कप ऑयल है हमारे पास। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमारे पास नमक है। 2 अदद नींबू हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमें चाहिए, जो मैंने बीच से इस तरह स्लेट कर ली हैं। 1.5 टीस्पून धनिया और 1.5 टीस्पून ज़ीरा, दोनों को मिलाकर मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद दरदरा कूट लिया। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक है जूलियन कटी हुई हमारे पास गार्निशिंग के लिए, और हमारे पास यहाँ ये टमाटर हैं तकरीबन 300 ग्राम, छोटे साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और बीच से इनको मैंने काट लिया है। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को हल्का कलर आने तक फ्राई करेंगे। चिकन पे हल्का हल्का कलर आ चुका है, अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। तेज़ आंच पर इन सबको हम अच्छा सा भून लेंगे। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे गल जाएं और इस दौरान हमारी चिकन भी रेडी हो जाए। अब चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन है, अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया की हाफ क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हाफ बचाएंगे। मज़ीद पकाएंगे इसको बिल्कुल दम की आंच पर 5 से 7 मिनट, उसके बाद बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी। चिकन शनवारी हाईवे कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम सबसे लास्ट में ये गार्निशिंग भी कर लेते हैं। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब कढ़ाई को हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही आला इसकी खुशबू आ रही है। शनवारी हाईवे कढ़ाई सर्विंग के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।